कर्नल प्रशांत कामत अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर थोड़ा सा आपके लिए हम सोच रहे थे पहले बात करेंगे आर्टिलरी के बारे में, अभी वक्त बहुत भाग रहा है, थोड़ा सा हम क्रिस्प बात करेंगे, चलेगा सर? सर आपका म्यूट है, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? सर 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 मैं कहना चाहती थी कि वक्त का तकाजा है, बहुत आगे भाग रहा है वक्त, तो थोड़ा सा हम फास्ट एक दो क्वेश्चंस पे जाएंगे, चलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर मुझे एक ही आर्टलरी के बारे में कहना है कि इन्फेंट्री का तो हमें मालूम था, आर्टलरी का मैंने एक ये सुना है कि 100 गन्स एक साथ, ऐसा कुछ कारगिल के समय कहते थे, और बोफोर्स गन का भी बड़ा रोल था, सर इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? यस मैडम, ये 100 गन कॉन्सेप्ट जो ये आइडिया था, ये ब्रेन चाइल्ड था हमारे कमांडर साहब ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह इनका, और इसका जेनेसिस एक्चुअली कारगिल में ही हुआ। अगर आपको याद हो, इनिशियली जब एट माउंटेन डे वहाँ नहीं थी और टोलोलिंग पे 18 ग्रेनेडियर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, तो उनके पास 4 या 5 वायलेट थी केवल, और इस पलटन ने काफी कोशिश करी लेकिन किसी तरह वो टोलोलिंग को जीत नहीं पाए, हालांकि काफी नजदीक भी आ गए थे वो। और उसके बाद जब जून के महीने में एट माउंटेन ड्यू आया, एट माउंटेन ड्यू की आर्टिलरी ब्रिगेड जैसे हम सारे आए, तो गन्स, नंबर ऑफ गन्स जो है उस सेक्टर में बढ़ गए। तब हमने देखा कि ये 5-6 फायर यूनिट से काम चलेगा नहीं, तब ब्रिगेडियर लखविंदर का ये आइडिया था कि हम एक बैटरी बोफोर्स की लगा के डायरेक्ट फायरिंग करेंगे टोलोलिंग पे, और बाकी 8 से 9 फायर यूनिट से इनडायरेक्ट फायरिंग करेंगे। हालांकि ये 100 गन्स नहीं बनते, तकरीबन 60 बनते, बट टोलोलिंग ऐसे जीता था। जब ये जीत हासिल हुई तो हमारा हौसला बढ़ा, और ये जो डायरेक्ट फायरिंग बोफोर्स में हमने यूज किया उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आया। हालांकि बोफोर्स इससे पहले जो उनका बोफोर्स का रेपुटेशन था वो नॉट गुड फॉर अदर रीजंस, बट टेक्निकली इट वाज द फाइनेस्ट गन दैट वी हैड एट दैट टाइम। बिसाइड्स ऑफ कोर्स वी हैड फील्ड गन्स एंड MBRL ग्रेड BM जिसको कहते हैं, मोटर्स एंड ऑल, तो ये सारा कॉम्बिनेशन बना के 60 गन का फायर टोलोलिंग पे लाके हम जीत गए। टोलोलिंग का एरिया काफी छोटा था, लेकिन जैसे आप आगे चलते गए, जैसे टोलोलिंग के पीछे हम हुआ 5140, वहां पे एरिया थोड़ा बड़ा था, तो उस समय 100 गन्स, इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 18 फायर यूनिट्स, दैट मेक्स इट 108 गन्स वो फायर्ड ऑन 5140। एंड व्हेन इट कम्स टू टाइगर हिल ड्यूरिंग द फाइनल असॉल्ट, इट वाज 120 गन्स व्हिच फायर्ड। So this was a concept which came into being, studied by foreign armies and really appreciated by one and all. And Bofors was of course a game changer. Iski jo direct firing, agar aap 40 kilo ka ek gola directly aapke sangar par padta hai 700-800 meter per second ki raftar se, to aap imagine kar sakti hai ki dushman ka kya haal hota hai. Wo bhaag khade hue aur infantry ko kafi isse sahuliyat mili. Right sir. So ye tha हमारा 100 गन कॉन्सेप्ट इन बोफोर्स का रोल। राइट सर। एक्चुअली कर्नल सचिन निंबाळकर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भारत के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर उन्होंने मुझे कहा था कि उनका गनर पे बड़ा विश्वास था, और आज आप जो बोल रहे हैं उसका मुझे अंदाजा आ रहा है कि सर ये गनर का जो विश्वास था, तो उसमें उसके पीछे आपका, आप एज एन ऑफिसर थे सर, वो क्या चैलेंज था गनर को? और एक सेकंड, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर आपकी, मैंने आपका नाम लिया लेकिन आपका डेकोरेशन मैं बोलना भूल गई, सर को सेना मेडल मिला है, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं भूल गई थी सर, गनर। यस मैडम, यू आर आस्किंग बेसिकली अबाउट माय एक्सपीरियंस इन द सेक्टर। सर मतलब वो गनर्स की जो टास्क थी, तो वो कितनी डिफिकल्ट थी, वो एक्यूरेट, क्योंकि SOS मंगा रहे थे लोग। मैडम ऐसा है कि ये जो हमारी गनर्स की ट्रेनिंग होती है, फॉर दैट मैटर इवन ट्रेनिंग ऑफ ऑल अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी रेजिमेंटेड, ड्रिल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, एंड गनर्स का एक
टिपिकल ये है कि कोई भी ऑर्डर अगर आप देते हो या कोई भी काम करते हो उस पर डबल चेक होता है। जैसे हमारे बैटरी कमांड पोस्ट में डाटा वर्कआउट अगर हो रहा है तो दो लोग कर रहे हैं तो क्रॉस चेक हो रहा है। जब वो पास होता है गन को तो गन पे कोई चेक बैक करता है कि भाई ये डाटा है, और जब वो एम्यूनिशन देखते हैं तो एम्यूनिशन कौन सा है, चार्ज कौन सा है, फ्यूज कौन सा है, ये सारा डबल चेक होता है। सो मोस्ट ऑफ द एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। बट व्हेन वी कम टू कारगिल, कारगिल वाज अ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया एंड वहाँ पे मीटियोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं यानी के विंड स्पीड, विंड बेयरिंग एंड यू कैन से एयर प्रेशर, बैलिस्टिक एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आधे आधे घंटे में वेरी करता है, जिसका इफेक्ट के गोले के ऊपर पड़ता है और गोला लेफ्ट राइट जाता है। तो ये हमने मद्देनजर देखते हुए ये जितने भी टारगेट्स होते थे रोज के रोज हर एक इक्विपमेंट से हम रजिस्ट्रेशन करते थे यानी उस पर फायर करके देखते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ हमको जनरली आइडिया आ गया था कि दोपहर में फायर करोगे इस इक्विपमेंट से तो इतना हमें लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, शाम में करोगे तो इतना हमें लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। तो वी हैड अ फेयर आइडिया। और हर फायर असॉल्ट के पहले जब इन्फेंट्री ने जाना होता था तो फायर असॉल्ट जो हम डालते थे बीट विथ 50 गन्स और 100 गन्स, तो एवरी इक्विपमेंट दी ओपी ऑफिसर जो होता था वो एक चेक राउंड फायर करके देख लेता था और इफ नीड भी करेक्शन करके रख लेता था। एंड व्हेन द फायर असॉल्ट यूज्ड टू गो इट यूज्ड टू रन राइट इन द प्लेस। इट वाज अ वंडरफुल थिंग एंड एक्चुअली वी वर आवरसेल्व्स अ बिट सरप्राइज्ड इनिशियली बट देन we got over it and we understood that there is a method to fire in the high altitude. Sir, and sir, in fact, the Bofors gun was used by infantry, I can say, like a section weapon, as General Puri said, or a pistol. I mean, till 50 meters, uski safety distance is 350 meters, but infantry was ready to take the risk of almost 300 meters. Correct. They came as close as 50 meters. And then asked us to lift the Bofors fire. Yes, sir. Sir, thank you very much. मैं मुझे जरा अभी कर्नल निंबाळकर सर और कर्नल प्रसाद को भी बुलाना है. थैंक यू वेरी मच सर आप आए. मैं एक ही कहना चाहूँगी सर आपके आर्टलरी के लिए कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, ma'am, for having me on this program. Yes, I indeed feel honored. And Jai Hind. Jai Hind.